और अब सीधे लिए चलते हैं आपको झारग्राम, जहां अमित शाह रैली को संबोधित कर। मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव समाप्त होने के पहले, चुनाव का प्रचार समाप्त होने के पहले आपके दर्शन करने के लिए मैं वहां पर जरूर आऊंगा, रूबरू आऊंगा। मगर आज मेरे पहले अर्जुन मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है और बंगाल सरकार किस प्रकार से आदिवासियों के अधिकारों में भी भ्रष्टाचार कर रही है, ये बताने का प्रयास किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टिकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। एक बंगाल एक जमाने में जो देश के विकास की अगुवाई करता था, देश की शिक्षा की अगुवाई करता था, आध्यात्म के क्षेत्र में देश की अगुवाई करता था और स्वतंत्र सेना, स्वतंत्र सेनानियों के क्षेत्र में भी बंगाल पूरे देश भर में मुखर करता, सुभाष बाबू हो चाहे खुदीराम बोस हो, वो बंगाली ही थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता की लड़ाइयों को एक नई ऊर्जा दी। वंदे मातरम के गान ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। वही बंगाल आज गुंडा राज के अंदर लिप्त होकर रह गया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही। और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए, हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटा कर दम लेंगे। मित्रों, थोड़े ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। मैं आज आप सबको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बाद पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी हम झारग्राम के अंदर बनाएंगे, जो ट्राइबल बच्चों को उचित अवसर देगी और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। स्टैंडअप इंडिया की जो योजना मोदी जी लाए हैं, बनने वाली बंगाल सरकार स्टैंडअप योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपया लगाकर लाखों आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देगी। हम 50% 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट आर्थिक सहायता वो स्टूडेंट को लेंगे जो 70% से मार्क लेकर आदिवासी समाज के, एसटी समाज के 70% से ज्यादा मार्क लेकर आते हैं, उनको आगे की पढ़ाई के लिए, 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए हम आगे करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल, जो छात्रालयों के निर्माण का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है, उसको भी 100 करोड़ रुपया और जोड़कर हम आगे बढ़ाएंगे। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल केंद्र सरकार ने जो भेजी है, वो बंगाल सरकार ने इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसको ढंग से जमीन पर नहीं उतारा है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का हम काम करेंगे। वन धन विकास केंद्र, जो आदिवासियों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करता है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो और इसमें ना कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भ्रष्टाचार कर पाए, ना कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार न कर पाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। ओरान, मुंडा, भूमजी, कोरा, लोडा, माहिली, बेदिया और सबर,
इस सारी जातियों के लिए 10-10 करोड़ रुपए का एक फंड बनाकर हम ये जातियों के विकास के लिए आगे बढ़ाने का एक कॉर्पस बनाएंगे जो 100 करोड़ का होगा, संथाल से लेकर सारी आदिवासी जातियों को इसके अंदर हम जोड़ने का काम करेंगे। और जितने भी एसटी के मुकदमे होते हैं इसमें फ्री लीगल एड, हम कानूनी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एसटी सर्टिफिकेट जो है वो भ्रष्टाचार के बगैर मिल जाए। मित्रों, आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सुखमय सतपति, बकुल मुर्मू, संजीव महतो, श्रीमती सोनाली मुर्मू और पालन सरेन को आप जंगी बहुमती से जिताइए और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आप सभी का धन्यवाद। अंत में फिर से एक बार आपकी क्षमा मांगकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। तो झाड़ग्राम जहां अमित शाह को खुद जाना था रैली को संबोधित करने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अमित शाह ने रैली को संबोधित। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।